Praise the name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Praise the blessed name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. फ़ोन मेरे हाथ से फिसल के गिर गया, क्षमा कीजिएगा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. सभी आ जाइए प्लीज़. हालेलुया, एवरीबॉडी जॉइन मी और हम कंटिन्यू करें. हालेलुया, थैंक यू जीसस. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Dhanyavad, 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 dhanyavad ho. Dhanyavad ho. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद. तो भाइयों और बहनों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? हमारी जो जान है, हमारी जान ने अभी नया जन्म नहीं पाया. हमारी आत्मा में नया जन्म हुआ है. हालेलुया. पहला कुरिन्थियों 5:7 में प्रेरित पौलुस कहता है, सो अब जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गईं, देखो वो सब नई हो गई हैं. ये जो नई सृष्टि है, केनॉस क्रिटिसिस, ग्रीक वर्ड है केनॉस क्रिटिसिस, ये नई रचना, नई सृष्टि, नई मखलूकात उब्रू में, हिब्रू उर्दू में. हालेलुया. और ग्रीक में केनॉस क्रिटिसिस. ये जो नई सृष्टि, नई रचना है, ये हमारी आत्मा में हुई है. आत्मा में पवित्र आत्मा ने वास किया है. लेकिन हमारी जो जान है, हमारे अंदर जो मेंटल वर्ल्ड है, हालेलुया, वो वैसे का वैसे ही है. हालेलुया. एक सेकेंड. हालेलुया. तो भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, नए नियम की पत्रियों में प्रेरित पौलुस एक अद्भुत शिक्षा, रोमियों की पत्री, गलतियों की पत्री और इफिसियों की पत्री में एक अद्भुत, आपको मालूम वो अद्भुत शिक्षा क्या है जो प्रेरित पौलुस देता है? प्रेरित पौलुस बताता है हमारी मुक्ति के 3 पहलू हैं. हम मुक्त हो चुके हैं, हम मुक्त हो रहे हैं, हम मुक्त होंगे. हमारी नजात के, जिसे हम कहें इंग्लिश में बोलेंगे, वी हैव बीन सेव्ड, वी आर बीइंग सेव्ड एंड वी शैल बी सेव्ड. हमें परमेश्वर ने छुड़ा, बचा लिया. हमें परमेश्वर रोज रोज बचा रहा है और हमें परमेश्वर अल्टीमेटली बचाएगा. आपको मालूम प्रेरित पौलुस इसे अब पत्रियों में थियोलॉजिकली क्या बताता है? इसको थियोलॉजिकली प्रेरित पौलुस 3 हिस्सों में बांटता है. हम बचाए गए, वी हैव बीन सेव्ड, उसे प्रेरित पौलुस कहता है जस्टिफिकेशन. वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑन द क्रॉस, बर्रे के लहू के द्वारा जस्टिफाई किए गए. फिर प्रेरित पौलुस दूसरी बात बताता है, हम बचाए गए उसके लहू के द्वारा, हम बचाए जा रहे हैं, उसे प्रेरित पौलुस कहता है सेंक्टिफिकेशन. हम डेली सेंक्टिफाई हो रहे हैं, डेली पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन हमें सेंक्टिफाई कर रहा है. और तीसरी बात प्रेरित पौलुस बताता है, हम बचाए जाएंगे. तो पत्रियों में यूहन्ना क्या लिखता है?
कि हम नहीं जानते कि हम क्या होंगे, लेकिन हम जानते हैं जिस दिन यीशु मसीह आएगा हम यीशु मसीह के जैसे होंगे। प्रेरित पौलुस उसे कहता है ग्लोरीफिकेशन, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड ग्लोरीफिकेशन, ये तीन पहलू हैं सालवेशन के। तो जस्टिफिकेशन हुई हमारी स्पिरिट की, हमारी आत्मा में नया जीवन है, हमारी आत्मा नई हो गई, लेकिन हमारी जान और हमारी देह अब वही है पुरानी। हमें देह भी नहीं मिलेगी जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह जैसा जलाली शरीर मिलेगा हमें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सोल, जान। हमारी आत्मा और हमारे शरीर के बीच में कपलर का काम करती है हमारी जान, सोल। ये जो जान है ना हमारी, सुनिए ध्यान से, हमारी जान के अंदर क्या है? माइंड है, विल है, इमोशन है, तीन चीज़ें हैं, माइंड, विल एंड इमोशन। और चौथी चीज हमारी जान के अंदर है कॉन्शियंस, जिसे विवेक कहते हैं। तो हमारा जो मन है वो जो हमने आदम से पाया है उसी अनुसार बिहेव करता है, हमारे इमोशन वैसे ही चल रहे हैं, और हमारी विल, हमारी इच्छा, हमारी इच्छा को मसीह की इच्छा में बदलना है। तो जो हमारी जान है उसके अंदर इम्पोर्टेंट काम होना है। याकूब की पत्री पहले अध्याय का 21 वचन पढ़िए, जेम्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 21, याकूब 1:21 में लिखा है, सारी मलिनता और गंदगी को दूर करो और परमेश्वर के कलाम को दीनता से ले लो, इनग्राफ्टेड वर्ड, वो कलाम जो आपके अंदर रोपा गया है उसे ले लो, जो तुम्हारी जानों को बचा सकता है, तुम्हारी सोल को बचा सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम नया जन्म पाते हैं, पवित्र आत्मा पा लेते हैं, परमेश्वर के अभिषेक से भर जाते हैं, लेकिन हमारी जान पुरानी है, हम सोचते उसी पुराने डर्रे पे हैं, हम अपने जीवन को चलाते वैसे ही हैं जैसे पहले चला रहे थे, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत लगाते हैं वो पुराने जीवन के लगाते हैं, हमारी जो जान है वो पुरानी है। अब देखिए चाहिए क्या, चाहिए तो ये है, मैं एक आपको एग्जाम्पल अभी देता हूँ, मेरे को अपनी किचन में जाना पड़ेगा, बट आई वॉन्ट टू शो यू, दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, लेट मी जस्ट शो यू, अभी आपको मैं दिखाता हूँ ये करके, हालेलुया। प्लीज वेट, हालेलुया, प्लीज वेट, लेट मी जस्ट शो यू, हालेलुया। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ, हालेलुया, यू गॉट टू वॉच दिस, दिस इज इनडीड कूल थिंग, हालेलुया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 23 वचन पे ये बातें आपको दिखाना चाहता हूँ, हालेलुया। वन सेकेंड, हालेलुया। भाई और बहनों ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये आपकी स्पिरिट है, ये खाली है, यीशु मसीह से पहले मुर्दा है, ये रूह है आपकी, और आप मान लीजिए ये आपकी जान है, सोल है, डेड है, ये आपकी स्पिरिट है, ये परमेश्वर से अलग हो चुकी, एलियनेट हो चुकी यहोवा से। अब आपको जरा ध्यान से देखना है, इधर मैं अच्छा ऐसे दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ कैमरा चेंज करके, हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखिए भाई और बहनों, ये स्पिरिट, ये सोल है, ये बॉडी है, शरीर है, ये शरीर, अब देखिए ये शरीर के अंदर जान है आपकी और ये आपकी स्पिरिट है, ठीक है, आप त्रिएक प्राणी हो, लेकिन इधर से बॉडी ही दिखाई दे रही है, ऐसे बॉडी ही दिखाई दे रही है। तो अब देखिए ध्यान से, आप आपकी आत्मा मुर्दा है, ये आत्मा मुर्दा है, खाली है, लेकिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो,
यीशु मसीह के लहू से धुलते हो तो क्या होता है भाई और बहनों, जब यीशु मसीह के लहू से धुलते हो परमेश्वर पवित्र आत्मा उंडेलता है। ये देखिए, ये पवित्र आत्मा उंडेल रहा आपकी आत्मा में। अब ये पवित्र आत्मा से आपकी आत्मा भर गई, लेकिन परमेश्वर उंडेलता जाता है तो क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। अब इस ओवरफ्लो से ये पवित्र आत्मा का पानी कहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से, आपकी सोल में। अब आपकी सोल, देखते जाइए, भर गई। अब आपकी सोल से कहाँ जा रहा है पवित्र आत्मा का निर्मल जल, किधर जा रहा है, आपके शरीर में। देख रहे हैं आप, जब आपके शरीर, ये आपकी आत्मा के अंदर पवित्र आत्मा भर गया, ये आपके सोल के अंदर, आत्मा में से निकल के आपकी सोल में गया, सोल में से निकल के ये देखिए भाई और बहनों आपकी बॉडी भर गई। अब यहाँ पे और पवित्र आत्मा डाला जाएगा तो ओवरफ्लो होगा। यीशु मसीह क्या कहते हैं, यीशु मसीह बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। ये देखिए, ये आपकी आत्मा भरी पड़ी है। यीशु मसीह दो बातें कहते हैं, एक कहते हैं सामरी स्त्री से, यीशु मसीह कहते हैं जो पानी में पीने के लिए दूंगा अगर तू पिएगी तेरे अंदर कुआं बन जाएगा। ये वेल है, कुआं, ये अंदर ही अंदर उमड़ेगा। ये जो भरा आपकी आत्मा है लेकिन ओवरफ्लो नहीं कर रही, इससे लोगों को कोई लाभ नहीं है। आत्मा के भर जाने से, पवित्र आत्मा की इस अवस्था से जो आपको जो लाभ हो रहा है भाई और बहनों, वो केवल आपको हो रहा है। आपकी आत्मा भर गई है, इसका लाभ आपको है, लेकिन इस आत्मा में से छलक के ओवरफ्लो होता है, आपकी सोल भर जाती है। आपकी सोल के बाद आपकी बॉडी भर गई पवित्र आत्मा से, बॉडी में से जब आपकी ओवरफ्लो होने लगा तो ये किधर जाने लगा, दो बातें यीशु मसीह ने कही, सुनिए ध्यान से, हालेलुया। जब आपका अंदर का बर्तन भरता है वो है कुआं, वेल। सामरी स्त्री को यीशु मसीह कहते हैं इट विल बिकम अ वेल, पवित्र आत्मा जो मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर वेल बन जाएगा, इट विल बी वेलिंग अप, तेरे अंदर उछलेगा। उसका फायदा सिर्फ सामरी स्त्री को है। लेकिन फिर यीशु मसीह ने कहा उस टैबरनेकल के, फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल के आखिरी दिन यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आए, जो प्यासा मेरे पास आए, जो मुझसे पिएगा जीवन के जल के सोतों में से, उसके अंदर जिंदगी के जल की नदियां फूट निकलेंगी। यीशु मसीह दूसरी बात कहते हैं, हमारे अंदर से जिंदगी के जल के दरिया फूट निकलेंगे। हालेलुया। तो भाई और बहनों कुंजी क्या है, कुंजी है जब आपकी आत्मा भर जाए, आपकी आत्मा आपकी जान को चलाए। हमारी जान में हमारी बुद्धि है पुराना, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी, जो कुछ भी हमने सीखा लर्न किया, आपने MBA किया, इंजीनियरिंग की, आपने मेडिकल किया, साइंस किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, कंप्यूटर साबी, आपने कोई भी डिग्री की दुनिया की, आपने अपनी सोल में स्टडी की है, जान में पढ़े हो आप, आपकी इंटेलेक्ट का वास आपकी जान में है, आपका कॉग्निटिव माइंड जो है आपकी जान में है। आपकी जान दुनिया की तरफ खींचती है आपको, क्योंकि इसके अंदर संसार का ज्ञान है। तो आपकी जान को आपने पानी पिलाना है पवित्र आत्मा का, आपकी जान पिए आत्मा से। बहुत सारे विश्वासी लोग अपनी आत्मा को अपनी जान में, जान के कुएं में से पिलाते हैं, यही प्रॉब्लम है। अपनी जान से अपनी आत्मा का पालन पोषण नहीं करना, अपनी नए सिरे से पैदा की गई आत्मा में जो जीवन के जल के झरने बहते हैं, उस निर्मल जल से अपनी जान को पोषण करना है। आपकी सोल जिसमें आपका माइंड है, विल है, इमोशन है, आपका कॉग्निटिव माइंड है, आपकी सोचें हैं, ख्याल है, आपने अपनी रिक्रिएटिव स्पिरिट के द्वारा उसे पिलाना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या करता है, Hebrews 4:12, वो दोधारी तलवार से तीखा है, वो आके आपकी जान को और आपकी रूह को अलग करेगा। बहुत सारे लोगों की जान बहुत क्लटर्ड है, जैसे आपके कबर्ड के अंदर बहुत गंद पड़ा होता है, कमरे में बहुत चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे लोगों की सोल है। कई लोगों की इतनी भरी पड़ी है जान अंदर से, इतनी आवाज़ें हैं, इतना शोर है लोगों की जान में, आपको कभी प्रभु की आवाज़ सुनाई नहीं दे सकती, आप केवल अपने मन की आवाज़। बहुत सारे लोग अपने मन की आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, प्रभु ने नहीं कहा, आपकी जान बोल रही है।
आपकी स्पिरिट भी नहीं बोल रही, आपकी जान बोल रही है। तो कलाम आपकी जान को अलग कर देगा, आपकी रूह को अलग करेगा, आपको अपनी तीन डिमेंशन दिखाई देंगी। शरीर आपको अलग दिखाई देगा, आत्मा अलग दिखाई देगी और जान अलग दिखाई देगी। हालेलुया। आइए आत्मा से भरते जाएं। पवित्र आत्मा की भरपूरी कुंजी है, पवित्र आत्मा की भरपूरी कुंजी है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं अपने फ्रेंड कैन सैंडबर्ग को लाने की कोशिश करता हूँ दूसरे टेलीकास्ट में। मे बी 20 मिनट का एक टेलीकास्ट करेंगे हम। सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आर यू देयर? हेलो, आर यू देयर? हेलो।